हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर गेस्ट लेक्चरर शमीरा खातून एंड दिस इज योर चैनल डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। टुडे वी आर डिस्कसिंग योर हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस, इवेपोरेशंस, शॉर्ट नोट्स। कंडेंसेशन के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। तो इवेपोरेशन क्या है? इट इज एन यूनिट ऑपरेशन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ थिन लिकर बाय वेपराइजिंग अ पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन से जब हम सॉल्वेंट को वेपराइज करके थिन लिकर को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो ये यूनिट ऑपरेशन है ये इवोपरेशन कहलाता है। जैसे हम सॉल्ट बनाते हैं ना, टाटा नमक खाते हैं घर में, तो वो सॉल्ट कैसे बनता है? आपके ओशियन वाटर आया, ओशियन वाटर को हम इवोपरेटर में ले गए, इवोपरेटर में हमने उसको जो उसका वाटर है इवोपरेट किया और हमने सॉल्ट बनाया। अब देखते हैं कैपेसिटी ऑफ इवोपोरेटर क्या है। मास ऑफ लिक्विड इवोपोरेटेड बाय टाइम, कैपेसिटी की बात है तो क्या कितने टाइम में कितना वाटर इवोपोरेट हुआ, तो वही हो गया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी ऑफ लिक्विड पर टाइम। और ये डिपेंड किस पे करेगा? फीड टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट राइज पे, लिक्विड हेड पे। लिक्विड हेड मीन्स लेवल ऑफ लिक्विड इन ट्यूब। कैपेसिटी की अब बात होगी तो इकोनॉमी भी देखनी पड़ेगी इवोपोरेटर की। और इकोनॉमी किस पे डिपेंड करेगी? ऑब्वियसली इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई बेनिफिट क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें बेनिफिट है भी या नहीं, तो ये इसके लिए हमें इकोनॉमी तो देखनी पड़ेगी ना इवोपोरेटर की क्या है। तो अब ये डिपेंड किस पे करेगी? स्टीम पे। क्यों? क्योंकि हम जो सॉल्वेंट इवोपोरेट करा रहे हैं तो किसके थ्रू करा रहे हैं? स्टीम के थ्रू। तो मास ऑफ लिक्विड इवोपोरेटेड बाय मास ऑफ स्टीम, यानी केजी ऑफ लिक्विड पर केजी ऑफ स्टीम, यानी कितनी केजी स्टीम हमने यूज करी, कितना केजी लिक्विड को इवोपोरेट करने में। इन सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर द इकोनॉमी इज नियरली ऑलवेज लेस देन वन, यानी सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर की हमेशा लेस देन वन होगी, मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर की जो इकोनॉमी होगी वो हमेशा ग्रेटर देन वन होगी। अब मैंने एक टर्म यूज किया था BPR, यानी BPE, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बॉइलिंग पॉइंट राइज और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज फाउंड दैट इफ अ सॉल्यूट is dissolved in a pure water, the vapor pressure of solution is decreases in comparison to pure water, and hence boiling point of a solution is increases is compared to pure water. This increasing boiling point of aqueous solution is called BPR and BPE. अब मैं आपको इसको easily समझाती हूँ। हम कोई बीकर ले ले, right? दो बीकर लिए हमने, एक बीकर में प्योर वाटर है और दूसरे बीकर में हमने वाटर के साथ में थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब क्या हुआ, जब हमने सॉल्ट ऐड किया तो जो सॉल्यूशन वाला है, यानी जो वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो यानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। तो जब वो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा प्योर वाटर के कंपैरिजन में, जब इसको माइनस करेंगे तो वो हमारा BPR और BPE कहलाएगा। BPE is smaller for dilute solution and larger for concentrated solution. BPR के फंडे को समझाने के लिए डरिंग रूल्स आया। डरिंग रूल ने उन्होंने क्या बताया कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन सोल्यूशन इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट द सेम प्रेशर। यानी प्रेशर बिल्कुल ही कॉन्स्टेंट लिया है, सेम प्रेशर है। हमने एक्स एक्सेस पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया है और वाई एक्सेस पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लिया है। जब प्योर वाटर है, यानी हमने कोई सोल्यूशन NaOH सोल्यूशन के साथ में उन्होंने ये बेसिकली किया था टेस्ट, तो क्या जब प्योर वाटर है तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसका लीनियर, कैसे ये लीनियर फंक्शन मिला, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन मिली, लीनियर फंक्शन मिला 0% NaOH पे। जब हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया 20% के साथ में, तो 20% हमने जब सॉल्ट यूज़ किया तो क्या हुआ, आपका सॉल्ट यूज़ किया या NaOH का सॉल्यूशन यूज़ किया, तो NaOH का सॉल्यूशन उन्होंने 20% यूज़ किया तो आपको इंटरसेप्ट मिला वाई एक्सेस पे, पर ये भी लीनियर फंक्शन रहा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये लीनियर रिलेशनशिप ही है इनके बीच में। जब हमने 30% करा तो इंटरसेप्ट बढ़ा, बट अभी भी ये लीनियर फंक्शन ही है। इसी तरह हम 40, 50, 60 कई बार हम लोगों ने उसके परसेंटेज को बढ़ाया NaOH के सॉल्यूशन के परसेंटेज को डहरिंग ने, तो उन्होंने इस तरह का हमें एक लीनियर फंक्शन वाला प्लॉट दिया। अब मटेरियल एनर्जी बैलेंस और इंथैल्पी बैलेंस की बात करते हैं और हम इसमें लेते हैं सिंगल इफेक्ट इवोपोरेटर की। अब इवोपोरेटर है,
तो ऑब्वियसली कुछ फीड होगा, तो मास ऑफ फीड हो गया, ये आपका मास ऑफ वेपर हो गया जो इवेपोरेट होके निकल गया, ये हीट है यानी हमने जो स्टीम दी है, स्टीम के थ्रू तो हम उसका सॉल्वेंट उड़ाएंगे ना, फिर यहाँ पे आपका जो एकदम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिला या सॉलिड्स मिले, तो आप इसमें देख लीजिए सॉलिड परसेंटेज इस वाले में ये थिन था, तो यहाँ पे जो सॉलिड परसेंटेज है वो W1% है, और यहाँ पे जब बहुत ही ज़्यादा है सॉलिड परसेंटेज ऑब्वियसली तो W2% है, और m डॉट डैश लिया है, वेपर के लिए हमने m डॉट v लिया है, तो मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे सिर्फ सॉल्यूट की, तो यहाँ ये इक्वल टू ये हो जाएगा इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, तो क्या हो जाएगा W1 इंटू m डॉट f इक्वल्स टू W2 इंटू m डॉट डैश, मास ऑफ फीड इक्वल्स टू मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो इसमें हमने जो स्टीम ली है वो स्टीम के लिए इक्वेशन हीट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यू एस इक्वल्स टू एम डॉट एस इंटू लैम्डा एस, ये स्टीम के लिए है। अब इंथैल्पी बैलेंस की बात करें, कुछ इंथैल्पी है यहाँ पे भी, कुछ इंथैल्पी है यहाँ पे भी, कुछ इंथैल्पी है, तो हम ये सारी इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट करेंगे, कैसे दोनों तरफ की इंथैल्पी को हम ऐड करके इक्वल में रखेंगे, तो m डॉट f इंटू एच एफ प्लस m डॉट लैम्डा s, ये हम स्टीम दे रहे हैं ना, इक्वल्स टू m डॉट v एच वी प्लस m डॉट डैश इंटू एच डैश। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी अभी ये इक्वेशन से हमको मिला है कि भाई m डॉट v क्या है, तो m डॉट v की जगह हम m डॉट f माइनस m डॉट डैश लिख देंगे। स्टीम बैलेंस की अगर बात करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी, स्टीम हमने जो दी है अब वो आपकी स्पेसिफिक हीट के टर्म में और लैम्डा वी के टर्म में कन्वर्ट होगी ना, तो कैसे m डॉट s इंटू लैम्डा s इक्वल्स टू m डॉट f cp f इंटू t माइनस tf, अभी बताती हूँ t माइनस tf क्या है आपका, प्लस m डॉट f माइनस m डॉट डैश इंटू लैम्डा v, ठीक है, ये mcp डेल्टा t और जो लैम्डा v मतलब जो हमारा वेपर का मिल रहा है वो ऐड हुआ ना, तभी तो स्टीम का बैलेंस होगा ना, ये हमने स्टीम दी, अब यहाँ पे जो सॉल्यूट की साइड में जो आपकी स्पेसिफिक हीट गई और एक आपकी स्टीम के साथ गई, तो हमने इसको इक्वल में लिखा हुआ है, बस ऐड कर दिया है दोनों को, तो वेयर cpf क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ फीड सॉल्यूशन, लैम्डा वी क्या है लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन फ्रॉम थिक लिकर, और लैम्डा क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट प्रेशर इन द वेपर स्पेस एंड कैन बी रीड फ्रॉम द स्टीम टेबल, हम इसके लिए स्टीम टेबल का यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बोला था कि टी इक्वल्स टू टी डैश पी, ये यहाँ पे क्या होगा, ये T equals to boiling point of the solution, T dash equals to boiling point of water at certain pressure, जो P है वो आपका boiling point rise या फिर boiling point elevation बोल सकते हैं, तो TF क्या है temperature of feed entering the evaporator, और जो T है वो है temperature of solution in evaporator, और TS क्या है temperature of condensing steam, तो हमें ये फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से ही बताया कि Q इक्वल्स टू यू इंटू ए इंटू डेल्टा टी होता है, और डेल्टा टी क्या है टी एस माइनस टी, Q आपकी हीट है, कैपिटल U आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट है, कैपिटल A आपका एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर है, डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है किसके बीच का, कंडेंसिंग स्टीम टेम्परेचर माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो मीनिंग ऑफ इफेक्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, नंबर ऑफ इवोपरेटर्स होता है, यानी हमने इफेक्ट बोला सिंगल इफेक्ट मतलब एक इवोपरेटर, डबल इफेक्ट यानी दो इवोपरेटर हमने यूज किया, ट्रिपल इफेक्ट इवोपरेटर यानी हमने तीन इवोपरेटर यूज किए, एंड सो ऑन। मेथड ऑफ फीडिंग मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर की बात करें तो हम चार तरीके से फीडिंग यूज करते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड पैरेलल एंड मिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इवोपरेटर्स देख लेते हैं, तो हमने दो टाइप से डिवाइड किया है, नेचुरल सर्कुलेशन इवोपरेटर्स और फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल के लिए हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर, वर्टिकल ट्यूब इवोपरेटर, फोर्स सर्कुलेशन के लिए एग्जाम्पल क्या लेंगे, सेम यही होगा हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवोपरेटर विद एक्सटर्नल हीटिंग एलिमेंट और वर्टिकल ट्यूब इवोपरेटर विद एक्सटर्नल हीटिंग एलिमेंट। ओपन पेन इवोपरेटर की भी अब बात कर लेते हैं, ये देखिए इसको हम जैकेटेड पेन इवोपरेटर भी बोलते हैं, तो इसमें क्या है एक पेन यूज किया हमने, उसके ऊपर एक जैकेट है,
जैकेट में हम स्टीम के थ्रू इस पैन को गर्म कर रहे हैं। पैन गर्म हुआ, गर्म होने के बाद में इसमें से वेपर फॉर्म में आपका जो भी, मान लीजिए हमने सी वाटर लिया, सी वाटर में से वाटर इवोपरेट हो गया और जो नमक है उसका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमें यहाँ से, प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल गया। ये जो फिगर है ये आपका फोर्स सर्कुलेशन इवोपोरेटर विद हॉरिजेंटल एक्सटर्नल हीटिंग एलिमेंट के साथ में है। ये आपका इवोपोरेटर है और जो हमने हीटिंग एलिमेंट यानी हीट एक्सचेंजर यूज़ कर रहे हैं ये हॉरिजेंटल में रखा हुआ है, इसलिए इसको हमने बोला है हॉरिजेंटल एक्सटर्नल हीटिंग एलिमेंट। शेलन ट्यूब टाइप ही है, आप देख लीजिए, वन एंड टू शेलन ट्यूब टाइप है। स्टीम डाला और कंडेंसेट यहाँ से निकल गया। इवोपोरेटर ये आपका ये रहा, तो यहाँ की जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है वो आपका यहाँ गया, यहाँ होने के बाद में आपका वेपर यहाँ से आउटलेट हो गया और आपका कंसनट्रेटेड लिक्विड यहाँ आपको मिल गया। इसी को हम फिर से रिसाइकिल कर रहे हैं, ये रिसाइकिलिंग लाइन है। ये भी फोर सर्कुलेशन इवोपोरेटर ही है विद वर्टिकल हीटिंग एलिमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर लिया है वो वर्टिकल रखा है हमने। तो ये स्टीम गई आपकी, ये कंडेंसेट मिल गया, जो आपको यहाँ से थिक लिकर मिल रहा है ये आपका कंसनट्रेटेड लिक्विड हो गया। ये हमने फिर से रिसाइकिलिंग के लिए फिर से भेज दिया लिक्विड को और ये आपने यहाँ से फीड डाला, ठीक है, और जो वेपर्स हैं वो आपकी आउटलेट हो गई। ये क्या है, फोर सर्कुलेशन इवोपोरेटर विद वर्टिकल हीटिंग एलिमेंट। अब फीडिंग मेथड की बात करी थी हमने इवोपोरेटर में, तो यहाँ पे हमने तीन इवोपोरेटर लिए हैं, मल्टीपल इफेक्ट इवोपोरेटर लिया है। तो देखिए उसमें कैसे हम फीडिंग मेथड की बात करेंगे, तो हमने यहाँ से गर्म करने के लिए हम स्टीम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी ये स्टीम गई और उसकी जो वेपर मिली फर्स्ट इवोपोरेटर से वो हमने सेकेंड में, और सेकेंड की जो वेपर मिली हमने थर्ड में, और थर्ड की जो वेपर मिली हमने उसको कंडेंसर में जाके कंडेंस कर लिया। फर्स्ट इवोपोरेटर में हमने फीड डाला, हमें यहाँ पे कंसनट्रेटेड किया, जो हमें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मिला हमने उसे और फर्दर कंसनट्रेट करने के लिए सेकेंड इवोपोरेटर में डाला, फिर सेकेंड इवोपोरेटर से थर्ड इवोपोरेटर में डाला, थर्ड इवोपोरेटर से हमें ये थिक लेकर मिल गया। ये ड्रिप्स जो आपको मैं ये लाइन दिख रही है ये एक्चुअली में क्या है कि यहाँ से हम सैम्पल पॉइंट भी बोल सकते हैं और प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए भी यूज़ करते हैं, इसलिए ये मैंने ड्रिप्स लाइन लिखा है। फिगर क्या है, ये किसका है, फॉरवर्ड फीड का। अब बात करते हैं बैकवर्ड फीड। अब बैकवर्ड फीड में आप देखिए तीन इवोपोरेटर फिर से P1, P2, P3 और P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड इज ग्रेटर देन P3 है, यानी P1 का मतलब पहले इवोपोरेटर का प्रेशर ज़्यादा है, फिर सेकेंड वाले का उससे कम है, फिर सेकेंड वाले का थर्ड से ज़्यादा है, ठीक है, यानी P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। तो अब देखिए ये हमने बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, तो स्टीम तो फर्स्ट इवोपोरेटर से, फिर उसका वेपर सेकंड इवोपोरेटर में, सेकंड इवोपोरेटर से थर्ड इवोपोरेटर में, फिर कंडेंसेट की तरफ चला गया। बट हम बैकवर्ड की बात करें तो फीड हम किधर की साइड से देंगे, इस साइड से देंगे। तो हमने फीड दिया, फीड देने के बाद में जो हमें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मिला हमने उसको पंप यूज करके यहाँ पे दूसरे इवोपोरेटर में भेजा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने फॉरवर्ड में पंप यूज नहीं किया बट हमने यहाँ पे पंप यूज किया, व्हाई, सोचिए जल्दी से। एक्चुअली हमने पंप यहाँ पे इसलिए यूज़ किया, अभी मैंने आपको प्रेशर बताया, हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर में तो जा सकते हैं पर लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कैसे जाएंगे, तो अगर हमें लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाना तो हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी हमें एक्सटर्नल पंप लगाना पड़ा। तो हमने एक्सटर्नल पंप लगाया, तब हमने इस फीड को सेकेंड इवोपोरेटर में और सेकेंड इवोपोरेटर से हमने फर्स्ट इवोपोरेटर में भेजा एंड फर्स्ट इवोपोरेटर से हमें थिक लिकर आपको मिल गया, ये बैकवर्ड फीड हो गया। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए मोस्टली हम लोग जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो फॉरवर्ड फीड इवोपोरेटर ही यूज़ करते हैं। मिक्स्ड भी भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है, देखिए कैसे कहीं पे पंप यूज़ होगा कहीं पे नहीं होगा, क्यों, हमने यहाँ पे फोर इवोपोरेटर ले लिए हैं, तो ये P1, P2, P3, P4, ठीक है, इसका प्रेशर ज़्यादा फिर उससे कम इसका, यानी P1 इज़ ग्रेटर देन P2, P2 इज़ ग्रेटर देन P3 एंड P3 इज़ ग्रेटर देन P4 है। तो देखिए हमने क्या किया है, स्टीम सेम वैसी हमने यहाँ से स्टीम दी, आपको कंडेंसेट मिल गया और जो इसकी वेपर्स थी हमने सेकंड वाले इवोपोरेटर में, फिर सेकंड से थर्ड वाले इवोपोरेटर में, थर्ड से फोर्थ वाले में, और इसकी वेपर को हम ले जाके कलेक्ट कर देंगे कंडेंसर में। बट हमने फीड क्या है, थर्ड इवोपोरेटर में डाला है, थर्ड इवोपोरेटर से जो हमें मिला तो ये तो लोअर है यहाँ पे प्रेशर, तो हमें पंप की ज़रूरत, एक्सटर्नल पंप की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ से हमारा हाइयर प्रेशर टू लोअर जा रहा है, तो आराम से आपका फीड यहाँ पे जाके दोबारा कंसनट्रेटेड होने के लिए चला गया, इवोपोरेट होने के लिए चला गया। फिर यहाँ से जो आपका सोल्यूशन मिला ये गया आपका हाई प्रेशर यूनिट में, अब जब हाई प्रेशर यूनिट में जाएगा तो हमने फिर से यहाँ से पंप यूज़ किया
पंप यूज़ किया, फिर जो हमें यहाँ से लिक्विड मिला हमने इसको फर्स्ट में भेजा, तो फर्स्ट में गए ऑब्वियसली इसका फिर प्रेशर ज़्यादा है, तो हमने फिर से एक्सटर्नल पंप यूज़ किया। एंड पंप एक्सटर्नल पंप यूज़ करने के बाद में हमने यहाँ पे भी उसको थिक किया और यहाँ पे हमें फाइनली थिक लिकर मिल गया। ये आपको कौन सा है, फीड सिस्टम, मिक्स फीड सिस्टम है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इसको देखिए, ये नंबर ऑफ इफेक्ट्स और कॉस्ट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। क्यों किया गया है, इससे हमें पता चलता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ इफेक्ट्स इन मल्टीपल इफेक्ट इवोपोरेटर। तो इस ग्राफ में जो ये कर्वदार लाइन है ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये जो रेड लाइन है ये आपकी कॉस्ट ऑफ स्टीम है, ये पर्पल लाइन जो जा रही है ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये जो स्काई ब्लू लाइन है ये आपकी कॉस्ट ऑफ वाटर है, ग्रीन लाइन आपकी लेबर कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ स्टीम और टोटल कॉस्ट को बेस मान के जो यहाँ पे नीचे पॉइंट मिलेंगे हमें, उससे हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ इफेक्ट्स कितने यूज़ करने हैं हमें किसी इंडस्ट्री में। भाई पता तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हमारा मन है कि भाई हम तो चार लगाएंगे, हम तो पाँच लगाएंगे, हमें इकोनॉमी भी तो देखनी है, हमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है इकोनॉमिक्स ध्यान में रखते हुए, तो उस वजह से हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो यहाँ पे आपका हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशंस शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होता है। इसके साथ ही मैं आपको न्यूमेरिकल अब नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज देन सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, और हाँ बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।